हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएम नागपुर के सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेके, क्योंकि इन्होंने कैट का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया का जो वेटेज है ना, ये काफी रिड्यूस कर दिया है। नाउ आईएम नागपुर इज आल्सो वन ऑफ दोज आईएम जो कि बेबी आईएम के कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग बेबी आईएम है। 2015 में स्टार्ट होकर दे हैव ऑलरेडी रीच्ड द एवरेज पैकेज ऑफ मोर देन 15 लाख। सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स कि भाई आईएम नागपुर ने सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या चेंजेस कर दिए हैं और आपको इस साल यानी कि कैट 22 में क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए। नाउ गोइंग अहेड, ओके, क्विक रिमाइंडर गाइस कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारी अपडेट्स इस तरीके की मिलती रहे, एंड यस, बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। नाउ इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्राम, ओके, दे आर करंटली ऑफरिंग ओके द 2-ईयर रेजिडेंशियल पीजीडीएम कोर्स व्हिच इज द फ्लैगशिप एमबीए प्रोग्राम जो 2 साल का होता है। द इनटेक इज 240, ओके, सो अमंग द बेबी आईएम्स, ओके, ये थोड़ा ज्यादा इनटेक है, बट बिकॉज़ द कॉलेज इज डूइंग गुड, ओके, सो इनटेक को लेके ज्यादा कोई चैलेंज नहीं है। ओके, ओवरऑल फीस जो है वो प्रोग्राम की 18 लाख जा रही है, और अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूंगा तो एवरेज प्लेसमेंट्स यू कैन सी इज नो क्रॉसिंग 15 लाख हियर। ओके, अमंग द बेबी आईएम्स डेफिनेटली नागपुर इज डूइंग गुड। ओके, नाउ द हाईएस्ट package has gone 31+ lakhs, okay, जो आपको दिख रहा है 31.54 lakhs का है। So yes, overall, okay, placements are going good in terms of brands also, आपको दिख रहा है यहाँ पे Microsoft आ रही है, Deloitte आ रही है, okay, so you have good brands like Amazon coming up here. So yes, definitely, okay, it is doing good, okay, Accenture Strategy roles भी यहाँ पे offer कर रही है। In terms of the important dates, okay, क्योंकि नागपुर अपना थोड़ा अलग process करने लगा है, तो first stage का जो shortlist है वो मार्च में आएगी, यानी कि जैन में आपका कैट का रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन आईएम नागपुर जो है ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है सीधे मार्च ऑनवर्ड्स, और मार्च से लेके मई तक 2 महीने में आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस ये क्लियर कर देंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द क्राइटेरिया, तो पहले तो कट ऑफ देख लो, ओवरऑल कट ऑफ तो ये 85 का रख रहे हैं फॉर जनरल कैटेगरी, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ इनके काफी कम है, 72, 72, 72, ओके, क्योंकि बेबी आईएम है इसलिए शायद इनका जो सेक्शनल कट ऑफ है ये इन्होंने कम रखा है, बट अंडरस्टैंड दिस इज ओनली द कट ऑफ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 85 के ऊपर आया तो आपको डायरेक्टली कॉल आ जाएगी। They are going to also see other parameters, okay, while shortlisting. So other parameters में आप ये देख लो कि CAT को तो उन्होंने सिर्फ 30% weightage दिया है, और past academics को overall उन्होंने 35% का weightage दिया है। I'm going to tell you कि ये 35% का weightage भी कैसा है, okay, we will tell about that also. Diversity factor पे इन्होंने 15% का weightage दिया है, और work experience को 20% का weightage दिया है। तो work experience को काफी weightage मिल रहा है यहाँ पे। We'll also see कि कितना academic पे आपको कितना marks मिलता है, work experience पे भी कितना marks मिलता है, let us understand that. अब यहाँ पे इन्होंने 5 academics में अगर आप देखोगे, इन्होंने 10th की rating score बोली है और 12th की rating score बोली है, that means IIM Nagpur is not giving any weightage to the graduation की performance को, कुछ भी weightage नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने यहाँ पे आप देखो 0.4 into A यानी कि A is 10th, okay, और 0.6 into B यानी कि that is 12th, यानी कि 35 जो मार्क्स दिया है इन्होंने उसमें से 40% जाएगा 10th को और 60% जाएगा 12th को। ऑल्सो इन दैट, ओके, अगर आपको 80+ आता है तो आपको 9 तो मिल ही रहा है, ओके, 90+ वालों को 10 मिल रहा है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर आप 80+ भी हो, दैट मीन्स ओके आपके जो एकेडमिक स्कोर है, ये जो आपको आई एम नागपुर देगा, ये काफी अच्छा देगा। अगर आप 80 से कम हो, ओके, इन दैट केस यू विल कम टू 5 ईयर डायरेक्टली, ओके, दैट कैन बी अ कंसर्न, बट अगर आपने कैट में अच्छा कर लिया है, ओके, देन आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। कमिंग टू द वर्क एक्सपीरियंस पार्ट, ओके, यहाँ पे आप देखो, अगर आपको 1.5 से 2 इयर्स के बीच में वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको फुल 10 मार्क्स मिल रहा है यहाँ पे, जो आप देख सकते हो। अगर आपको मोर देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको 0 मिलेगा, और अगर आपको लेस देन 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो भी आपको 0 मिलेगा। दैट मीन्स डेफिनेटली पीपल हु आर इन दिस रेंज, ओके, जहां आपको 1 साल से ज्यादा का भी एक्सपीरियंस है तो भी आपको काफी अच्छा स्कोर मिल जाएगा यहाँ पे। नाउ टेकिंग एवरीथिंग इन टू कंसिडरेशन, आप यहाँ देख सकते हो कि फाइनल वेटेज उन्होंने जो किया है, फाइनल जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा है, कैट को सिर्फ 15% कर दिया है, दैट इज सो लेस, ओके, बिकॉज भाई इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू और वैट को मिला के 50% कर दिया है। दैट मींस अगर आप इंटरव्यू के जो आधा घंटा 15 मिनट का इंटरव्यू होगा उसके अंदर अगर आपने बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा लिया सामने वाले के सामने, इंटरव्यूअर को आपने वहां पे इंप्रेस कर दिया पैनलिस्ट को, तो भाई आपकी सीट एक तरीके से पक्की हो सकती है आईएम नागपुर की, बिकॉज नो यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू को और वैट को काफी वेटेज दिया है। ओके, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक्स, ओके, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने रिड्यूस किया है, पहले इन्होंने 35% दिया था लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 15% कर दिया, वर्क एक्सपीरियंस को भी 15% कर दिया, और बाकी डाइवर्सिटी फैक्टर्स जो कि हो सकता है जेंडर के हिसाब से हो या एकेडमिक डाइवर्सिटी हो उसको 5% दिया है। दैट मीन्स ओके डेफिनेटली
कैट को कम वेटेज देके बाकी चीजों को वेटेज देने का ये मतलब है कि भाई अगर आपको कैट में थोड़ा कम भी आता है ना तो भी हम बाकी चीजें चेक करके आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा कर लिया तो हम तो आपको और भी अच्छा मार्क्स दे सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स ओके दैट यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम आई एम नागपुर सिलेक्शन प्रोसेस। ओके डेफिनेटली वन ऑफ दोज आईएम्स ओके व्हिच इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, क्योंकि आई एम नागपुर आई एम अहमदाबाद के अंडर में था, प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द रीजंस ओके वेयर द ग्रोथ इज सो हाई। ओके सो मेक श्योर ओके गाइस दैट यू लाइक, if you like our content, like the video as well and subscribe the channel. All the best.